हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शहरयार, आवाज आ रही है? हेलो, वालेकुम सर। सलाम वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है मुझे? सर। जी वालेकुम सर, बिल्कुल सलाम। क्लियर है। एक मिनट, जरा ज्वाइन कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद, मैंने देखा तुम्हारा नाम जो है ना, अलग से नहीं है, उसी के अंदर है। उसी के अंदर है ना सर। हाँ, उसके अंदर है, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, मतलब मसला रिजॉल्व हो गया है ना। मसला रिजॉल्व हो गया, मसला रिजॉल्व हो गया तुम्हारा। थैंक यू सर। मैंने मेल भी वैसे करी थी सर साइट से। अच्छा, वो शायद अभी किया या बाद में किया, बहरहाल है तुम्हारा नाम ना उस पे। नो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके सर। बाकी महामती आ गई है, जीशान अंसारी, जीशान। जी सर, जीशान भाई सर, प्रेजेंट। वालेकुम अस्सलाम। सर आप पेपर खत्म होने काफी देर बाद आए, उम्मीद है आपने पेपर देखे होंगे सर। नहीं यार, मैंने नहीं देखे। मैं यकीन करो, पेपर मैंने छेड़े भी नहीं अभी। कैसा रहा पेपर आज आप लोगों का? सर अपने तरफ से तो हमने अच्छा किया, बाकी ओवरऑल रिपोर्ट आप ही देंगे। अच्छा, वो था ना एक, मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। सर सर हमारा एचवीएसी का कैसा हुआ था पेपर? सर आपने शिकायत करी थी हम सबकी। मैं शिकायत की थी वैसे ही तुम्हें डराने के लिए। अच्छा, डराने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगले पेपर में आप लोग मेहनत करें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर वैसे मेरा पेपर कैसा था? मैंने देखा नहीं अभी, मैं अभी खोलूंगा। अच्छा कल अच्छा कल से मैं पेपर स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। ओके सर, तो ओके। बहुत सारा बर्डन है, तो वो मैं इंशाल्लाह। सर मेरा पेपर टोटल हैंड रिटन है मेरा। तो बाकियों ने किससे लिखा है भाई? लातों से? नहीं नहीं सर, आई मीन के कुछ लोगों ने टाइप भी किया है, कुछ लोगों ने कुछ किया होगा, तो मेरा पेपर रिटन है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। नहीं वैसे छेड़ रहा था मैं। नहीं नहीं सर, कोई बात। अच्छा, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं फिर डिस्कशन स्टार्ट कर दूं? जी सर। बाकी फिर क्या करेंगे सर? 2 मिनट रुकेंगे सर, कुछ एरियाज में बारिश भी हो रही है, मेरी तरफ भी हो रही है, तो लाइट नहीं है। हाँ बारिश हो रही थी, हमारी तरफ भी हो रही थी। जी जी सर। अच्छा, मैंने ईएमएस का आपको 14001 मैंने भेज दिया था ना आप लोगों को। ईएमएस 14001 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं भेजा सर, भेज दिया यार व्हाट्सएप मेरे पास तो है पर नहीं भेजा था। मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ, एक मिनट रुको। ऑनलाइन मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ, एक मिनट म्यूट करें बुजुर्ग। एक मिनट, ये ईएमएस देख लीजिएगा स्टैंडर्ड जो है पूरा। अब पहले मैं व्हाट्सएप कैसे खोलूं? एक मिनट सर, जो केमिकल सेफ्टी वाले लेक्चर्स थे वो भी इंक्लूड? नहीं नहीं, वो इंक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है। ठीक ठीक, केमिकल सेफ्टी वाले इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे हैं। ओके सर। अच्छा, मैं आपको अभी स्टैंडर्ड भेज रहा हूँ, लेकिन इस पे अपलोड। हाँ ये मैंने व्हाट्सएप पे, एक मिनट मैं जरा फाइल अटैच करता हूँ। ये मैं ELMS पे डाल दूंगा सर। ये 2015 वाला स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं, वो पुराना है मेरे पास, बहुत 2000 जब पहला इनिशियली आया था। सर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना। ये व्हाट्सएप पे मैंने ये शेयर कर दिया, देखिए मिल गया आप लोगों को। सर इसमें से वो डेफिनेशंस वगैरह ले लिए ना, जैसे आपने पहले गाइड किया था? हाँ डेफिनेशन मैंने डेफिनेशन मैं दे सकता हूँ, डेफिनेशन देख लीजिएगा। जी डेफिनेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज का जो लेक्चर है। मैं मिल गया आप लोगों को, व्हाट्सएप कर दिया मैंने। अगर कोई एक आध व्हाट्सएप मिल गया ना तो इसको देख लीजिएगा। ये मैं ELMS पे भी, सॉरी ELMS पे भी डाल दूंगा। अच्छा मैं इसी को खोल लेता हूँ, स्टैंडर्ड को ही खोल लेते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर, ठीक है आप सबको नजर आ रहा होगा। ईएमएस IS 14001 2004 नजर आ रहा है? सर आ गया।
अच्छा इसमें डेफिनेशन मैंने आपको सारी करा दी थी। एक तो ये पीडीसीए साइकिल इंपॉर्टेंट है, पॉपीमार इंपॉर्टेंट है, ये देखना है आपने, ठीक है, प्लान डू चेक एक्ट। अच्छा इसके आगे फर्द ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये पढ़ना है आपने सारा। अगर मैं इसको बड़ा करूं, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा इसमें प्लान क्या है, प्लान के अंदर क्या करना है एस्टेब्लिश। अच्छा ये हो गया, और मैंने आपको यूएस ईपीए के भी वो प्लान टू पॉपीमार शेयर किया था, याद है आपको? जी सर। जो यूएसए का था, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, ठीक है, वो मैं फाइनल में ज्यादा दूंगा, लेकिन इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं फोकस मेरा उस यूएस ईपीए का जो डिटेल्स है वो फाइनल पे ज्यादा रहेगा। इस वक्त जो है मेरा ज्यादातर फोकस जो है वो आपका इस आईएसओ 14001 जो मैंने खोला है इस पे रहा है, ठीक है। तो प्लान तो भी फोकस स्टैंडर्ड पे रखते हैं फिलहाल। हाँ कर लें, कोई इशू नहीं है, हैं तो वैसे दोनों एक ही हैं, ठीक है। पीडीसीए साइकिल इंपॉर्टेंट, पॉपीमार इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी क्या होती है, प्लानिंग फेज क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन क्या है, चेकिंग क्या है, मैनेजमेंट रिव्यू क्या है, फिर इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं शुरू के अंदर, ठीक है, पॉलिसी का पर्पस क्या है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस क्या हैं, एस्पेक्ट इम्पैक्ट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव को कैसे कवर करती है। पर्पस आपने किस चीज़ का बोला? पर्पस ऑफ ईएमएस। ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या होती है, टारगेट्स क्या होते हैं और टारगेट्स कैसे सेट किए जाते हैं, ऑडिट क्या होता है, कन्फर्मिटी नॉन कन्फर्मिटी, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और फिर जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्लानिंग फेज क्या होता है, एस्पेक्ट इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन क्या होती है, एस्पेक्ट इम्पैक्ट मिटिगेशन लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है, और एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर कराया था, याद है? अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हों तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा तो आप स्किप कर जाएंगे, ये फ्लो चार्ट था। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है ये देखना है आपने। अच्छा फिर इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन फेज में जब आते हैं तो रिसोर्सेज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, वही आपका ऑर्गेनोग्राम आ गया। इसमें ईएमआर या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या है, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज फर्ज क्या, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, स्किल्स भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिसोर्सेज इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी आपको मैनेजमेंट सिस्टम रन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, इसी तरह आपको मैनेजमेंट सिस्टम रन करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, तो सारे रिसोर्सेज हैं। और टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या होती है, फिर दूसरे नंबर पे आता है कॉम्पिटेंसी क्या है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस क्या है, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप आएगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ गया फर्ज किया कि इन अ मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, किस किस मैनेजमेंट सिस्टम में किस किस पॉइंट्स की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या है, वो पहलू बताएं, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं उसके। फिर मॉनिटरिंग मेजरमेंट क्या होगी, मेजरमेंट में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मेजरिंग परफॉर्मेंस जो है मतलब उसके अंदर क्या चीज़ आ गई आपकी, ऑडिट्स तो मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन इसके अंदर ये है कि क्या नाम है इसका, मेजरिंग परफॉर्मेंस में आपके जो रिएक्टिव इंडिकेटर और प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स हैं ये देखने हैं आपने, ठीक है, और कंप्लायंस क्या होती है, कन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है, और मैनेजमेंट रिव्यू क्या है, तो ये सारी चीज़ें, ये ज़रा आवाज़ कम कर लीजिएगा जिसकी तरफ से भी आवाज़ आ रही है,
ठीक है तो सर वैसे आज आज के पेपर में आपने कहा था ऑब्जेक्टिव वगैरह भी होंगे तो कहीं दिखे थे ऑब्जेक्टिव तो नहीं थी नहीं। आप आज के पेपर में तो ऑब्जेक्टिव नहीं थी नहीं कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव भी दूं क्या ऑब्जेक्टिव में असल में लाइट बहुत जा रही थी तो ऑब्जेक्टिव आप मैं बनाता तो डिले हो जाता ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है कल के है कुछ इम्तिहान है कल के पेपर में ऑब्जेक्टिव का जी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मुश्किल ही दूं मैं क्योंकि ऑनलाइन में जो है ऑब्जेक्टिव वो फिर ट्रेस हो जाती है और डीन साहब ने भी कम्युनिकेट किया था कि ऑब्जेक्टिव ना दें सब्जेक्टिव दें और ओपन बुक दें कोशिश करें कॉन्सेप्चुअल पेपर हो वो तो आप दे ही रहे हैं सर नहीं आज का पेपर तो आसान होगा नहीं आसान था देखें ये तो एक तरह से अमीन वाले नहीं सर आपका पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है है? पर एचवेक वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट था एचवेक वाला डिफिकल्ट था चलें हाँ वो उसमें हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी होगी या वो आपके एरिया से डिफरेंट है सर वो बेसिक्स नहीं है ना सर हाँ बेसिक्स एनवायरनमेंट वाले हैं फिर ठीक है सब्जेक्ट है वो अच्छा सर आपका एचवीएसई वाला सब्जेक्ट भी काफी वो आपका जो पेपर आपने निकाला था कॉन्सेप्चुअल था अच्छा ये सद्दाम हुसैन जो आ गए सद्दाम हुसैन एनवायरनमेंट में है क्या ईएमएस में जी जी सर सद्दाम हुसैन पावर के एनवायरनमेंट में है वो भी अच्छा वो भी है जी जी उनका नाम भी मुझे याद नहीं है मैं देख लूंगा एलएमएस पे जी जी सर ठीक है अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो इसके अंदर तो मुझसे पूछ लें इंडस्ट्री की गाइडलाइंस आपका एग्जाम था ना उसी तरह के ही हो आप पेपर ईएमएस को और आसान होगा मेरे हिसाब से तो जो एनवायरनमेंट वाले उनके लिए तो आसान होना चाहिए इंशाल्लाह अच्छा एक चीज और बता दूं कि इंडस्ट्री फोकस्ड ईएमएस आप लोग यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आती है आपको पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपने ईएमएस लेके आना है या इम्प्लीमेंट करना है या उसके एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कोई भी इंडस्ट्री उससे सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है उससे लिक्विड वेस्ट क्या हो सकता है तो ये इस मतलब एस्पेक्ट्स के हवाले से आप लोग देख लीजिएगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री है कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमदर्द यूनिवर्सिटी है कोई इंस्टीट्यूशनल इदारा है तो इस पर भी आप लोगों ने मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ हो कि भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईएमएस या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं इम्पैक्ट्स क्या हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मिटिगेशंस क्या हो सकती हैं सिंपल एक छोटा सा प्लांट उठा लें ठीक है तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर एक एग्जाम्पल दी थी वो चिक्स वाली कल भी मैंने बात की थी चिक्स की आज भी मैं दोबारा चिक्स की बात करूँगा तो चिक्स है अगर उसके हवाले से बात करूं कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ईएमएस बनाना है ऑफ चिक्स चिक एम्ब्रियो चिक जो है वो चिकन बन रही है कंट्रोल शेड है तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई चिक्स परचेज होते हैं उसका प्रोसेस फॉलो ये है कि चिक्स परचेज होते हैं 40 डेज के टाइम में वो ग्रो करते हैं फिर 40 दिन के बाद वो पूरी मुर्गी बन जाता है और फिर वो मार्केट में बिकता है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकते हैं मतलब अगर कंपनी ने जनरेटर लगाया हुआ है तो वो जनरेटर की एमिशन एक प्रॉब्लम है ठीक है फिर वेस्ट वाटर की सूरत में क्या है कि चिक्स का जो फुजला है एक्सक्रीटा है वो अच्छा वहाँ पे जो है ना जहाँ पे चिक्स ग्रो करते हैं वहाँ पे राइस हस्क बिछाया जाता है चावलों का बरादा बिछाया जाता है तो वो चावलों के बरादे के ऊपर जो है वो उनकी बीठे गिरती हैं या उनका एक्सक्रीटा गिरता है तो वो चावलों का बरादा एक इन्वायरमेंटल सॉलिड वेस्ट है हैजर्डस वेस्ट है तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए तो ये इस तरह अपने एस्पेक्ट्स बताने हैं ठीक है वहां पे अगर 4-5 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनका सैनिटेशन प्रॉब्लम है तो एस्पेक्ट्स उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसका इम्पैक्ट क्या है फर्ज क्या जनरेटर है जनरेटर तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज होता है अब जनरेटर है उसकी एयर एमिशन है उसका नॉइस है तो उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है नॉइस की 85 dB है तो आपको पता है 85 dB अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपको मिटिगेशन की तरफ नहीं जाना अगर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फर्ज किया 85 dB और जनरेटर जो है वो 95 dB प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस नहीं हो रही नॉन कन्फर्मिटी है तो आपने उसके लिए क्या करना है उसके लिए मिटिगेशन देनी मिटिगेशन क्या हो सकती है या तो साइलेंसर लगा दें जनरेटर के अंदर या फिर क्या करते हैं उसको आइसोलेट कर दें उस एरिया से दूर कर दें जैसे हम घरों में करते हैं जनरेटर कभी भी कमरों में नहीं रखा जाता तो वो कमरों से या घरों से दूर होता है ठीक है इसी तरह ये नहीं कर सकते तो स्पेस नहीं है आपके पास तो क्या करते हैं उसके ऊपर कैनोपी लगा दें कैनोपी बना दें ताकि उसका नॉइस या इमिशंस कंटेन हो जाए तो मिटिगेशन की बहुत सारी सूरतें
तो पॉसिबल मिटिगेशन क्या क्या हो सकती हैं अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा तो इस हवाले से आपने पेपर की तैयारी करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ईएमएस के अंदर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कमिटमेंट, एक तो सबसे पहले कमिटमेंट उनकी स्ट्रॉन्ग, कमिटमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फिर कमिटमेंट नहीं होगी, अच्छा कमिटमेंट तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंपनी पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो भी आपका मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर रोल ऑफ जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ईएमआर है, जैसे पूरी पूरी कंपनी को एक ईएचएस ऑफिसर रन कर रहा होता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, जो ऑलरेडी ईएचएस में काम कर रहे हैं या एचएससी में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कंप्लायंस करानी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये इस हवाले से देखना है, डेफिनेशन देख लीजिएगा और हायरार्की देख लीजिएगा, ऑर्गेनोग्राम है, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ये सारा आप लोग देखेंगे क्योंकि हाँ यही इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे पूछ लें। क्या हुआ, सो गए सारे? हेलो, नहीं सर, सर सुन रहे हैं सर? अच्छा, खाली सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, ये सबसे आसान पेपर है एज कम्पेयर टू अदर्स। आप लोग केमिकल सेफ्टी नहीं इंक्लूड किया, दीज टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड, इंफॉर्मेटिव बेसिकली सर, बेसिकली फिर लेक्चर नंबर 8 तक ही है आपका, नहीं आगे तो 9, 10, 11 मैंने शहरयार पढ़ाए, एक दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, दो तीन लेक्चर को छोड़ के मेरे ख्याल में कोई लास्ट लेक्चर है जो मैंने आपको ईएमएस के हवाले से पढ़ाया है, जिसके अंदर मैंने आयुष की स्लाइड पढ़ाई थी शायद। सर लेक्चर नंबर 8, 9, 10 और 11 आपका केमिकल पे? नहीं सिर्फ तीनों, मैं बताऊं लेक्चर 9, लेक्चर 10 और लेक्चर 11 केमिकल सेफ्टी के ऊपर है, उसके बाद हमारे जब लेक्चर 12 पे आते हैं तो वो मेजरिंग परफॉर्मेंस है। हाँ, वो मेजरिंग परफॉर्मेंस भी है और उसके बाद मैंने शायद एक और लेक्चर भी अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने आयुष की स्लाइड्स के मुताबिक ईएमएस पढ़ाया है, ठीक है। केमिकल सेफ्टी को अगर देखना हो क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा है तो वो देखना होगा, तो मैं फाइनल में उसके जो है ना हम डिस्कस कर लेंगे फाइनल के अंदर, नहीं फिलहाल जो है मैं उसको नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा ना आपको आगे, तो उसमें हम केमिकल सेफ्टी भी देख लेंगे क्योंकि मैं आपको पूरा एचएससी पढ़ाऊंगा, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, आईएसओ 45000 एंड आईएसओ 14000, और ये इंटीग्रेटेडली कैसे काम करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे आफ्टर द मिड टर्म। ठीक है, इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बता दें क्योंकि कल इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर है, बाकी तैयारी शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में पेपर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों। सर एनवायरमेंटल के लिए आसान है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग, हाँ मुश्किल तो हाँ सर, बस इंशाल्लाह सर हो जाएगा, ठीक है। और वो दूसरा कौन है आपके साथ? ठीक है सर, एक सद्दाम भाई है, वो भी पावर नाम सद्दाम, ठीक है भाई लोग। ओके सर, ओके इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन मुझसे? नहीं सर, सब क्लियर है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सबको सर वो जो डेफिनेशंस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी डेफिनेशंस का आपने बोला था वो भी देंगे? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। कौन सर? वो तो बहुत सारी हैं। जी जी सर, मैं नयरीन बिल्कुल आ सकती हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत आसान होनी चाहिए वो तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम उसके बगैर रन नहीं होता, ठीक है। वैसे भी वो फायदा देंगी अगर आप अभी याद करेंगे तो वो आपको आगे जब आप जॉब्स पे जाएंगे या जो जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको वहाँ पे वो फायदा देगा, स्टैंडर्ड जो है आपका डेफिनेशन पे चलेगा, ठीक है जी सर, बिल्कुल जो बात है ठीक है। और कुछ पीडीसीए वाले से कुछ नहीं पूछेंगे, वो तो पता है आप लोगों को आता है जी, कॉपी मार भी आता है, वो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक। अच्छा मेरे पास आया हुआ कौन कौन है, मेरा पार्टिसिपेंट देख लें सर, अटेंडेंस ले लें, हम अटेंडेंस ले, तो मेरे पास मोहम्मद अहमद आए हुए, शहरयार नयरीन है,
जी सर। अमजद हुसैन राजपूत हैं जी सर। हसन अहमद कुरैशी, हसन, एक हसन अहमद कुरैशी और एक हसन फरीद है, फरीद है वो तो नहीं है मेरे ख्याल में सब्जेक्ट में। नहीं नहीं सर हैं वो भी। अच्छा वो हैं। अच्छा हाँ मेरी अभी बात हुई थी इनसे, वो अभी ऑफिस में ही है, उनका कोई ऑर्डर है तो। अच्छा नुमान अहमद खान प्रेजेंट, ये रहा मैं। कहाँ से नजर नहीं आ रहे नुमान, नजर नहीं आ रहे सर, दिल की आंखों से देखे सर। आप नजर आ गए। अच्छा जीशान, जीशान अंसारी साहब। यस सर प्रेजेंट। लैब टेस्टिंग तो नहीं कर रहे? नहीं सर। अबे भाई अगर टेस्टिंग कराए तो मुफ्त में कर देंगे आप लोग? बिल्कुल सर, सारी सर्विसेज आपके लिए मुफ्त हैं सर। अच्छा चलो जबरदस्त यार। तो मैं तो पहले भी अपनी पूरी लैब आपके ऑफिस में ले आया था। टोटल हाँ टोटल सही बात है, चले अच्छी बात है। और महामती सद्दाम हुसैन, ये ऑनलाइन होके गायब हो गया ना अहमद? सर मैं उसको समझा दूंगा, बच्चा है अभी। ये ऑनलाइन होके गायब हो गया, ठीक है। बहरहाल ये 11 मेरे पास स्टूडेंट थे, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन तो कोई okay, नहीं सर, इंशाल्लाह तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आपको मार्क्स की पारा तो सर। हाँ बाबा मार्क्स फुल 100 में से 110 नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू, इंशाल्लाह। एचईसी मिल जाएगी ना, एचईसी मिल जाएगी। यार टीचर है यार बंदा जो है ना, 100 में से 110 नंबर देता है। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।